सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्नमोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से ही आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप आते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में एंटीबायोटिक दवा के बारे में आपको बताऊंगा, जिसका नाम सेफोडोक्सिम है। यह एक बीटा लैक्टमेज मेडिसिन है जो कि सिफिलोस्पोरिन ग्रुप से बिलोंग करती है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। किन किन प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करती है जानेंगे इस वीडियो में, किस नाम से मार्केट में आपको मिल जाती है, इसकी डोज क्या रहती है, साइड इफेक्ट क्या रहते हैं, और वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा इसके इंटरेक्शन क्या रहते हैं, किन किन दवाओं के साथ में और किन बीमारियों में इस दवा को नहीं दिया जाता। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे संपूर्ण जानकारी आपको सेफोडोक्सिम टेबलेट के बारे में मिल सके। और साथ ही वीडियो को जोर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। सेफोडोक्सिम एक थर्ड जनरेशन सिफिलोस्पोरिन मेडिसिन है जो कि ओरली एक्टिव प्रोडक्ट है, जिस कारण से यह टेबलेट तथा सिरप प्रिपरेशन में ही बनाई जाती है। सेफोडोक्सिम को हम सेफोडोक्सिम प्रोक्सीटेल नाम से भी जानते हैं। सेफोडोक्सिम ग्राम नेगेटिव तथा ग्राम पॉजिटिव दोनों ही प्रकार के जो बैक्टीरिया है इनके द्वारा होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए सक्षम है। सेफोडोक्सिम आपको 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम तथा 200 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में टेबलेट फॉर्म मिल जाएगी। साथ ही आपको अनकोटेड तथा डिस्पर्सिबल टेबलेट फॉर्म में मिलती है, जिस कारण से ये मरीज को पानी में घोल के भी दे सकते हैं। ये दवा शेड्यूल एच की होने के कारण केवल और केवल आपको डॉक्टर की सलाह पे इसको लेनी, बिना डॉक्टर की सलाह पे इसको नहीं लें। और अगर इसकी हाफ लाइफ की बात की जाए तो ये 2 घंटे से लगाकर 3 घंटे लगभग इसकी हाफ लाइफ रहती है। दोस्तों सेफोडोक्सिम दवा का जेनेरिक नाम है और इस नाम से आप मेडिकल स्टोर मिल जाता है। साथ ही कई सारी इसकी ब्रांड्स ने मार्केट में अवेलेबल है, जिससे मेडिकल स्टोर मिलता है। कुछ जो पॉपुलर ब्रांड है उसके बारे में आपको बता दूं, उसमें गुड सेफ टेबलेट सबसे पॉपुलर ब्रांड है। उसके अलावा आपको स्विस टेबलेट, डॉक्सेफ टेबलेट, सेफोप्रोक्स टेबलेट और साथ ही मोनोसेफ ओ टेबलेट, ये कुछ इसको पॉपुलर ब्रांड आपको मिल जाएगी जो सभी जगह अवेलेबल है। हो सकता है इसके अलावा कोई दूसरी ब्रांड आपको मिले, क्योंकि जो ब्रांड नेम रहती है एरिया और डॉक्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग रहती है, लेकिन जो दवा का मूल नाम रहेगा वो सेफोडोक्सिम ही रहेगा और एक ही जगह दूसरी जो ब्रांड है सब्स्टिट्यूट की जा सकती है, जो आपको सस्ती मिले उसको आप खरीद सकते हैं। दोस्तों इसकी ब्रांड नेम जानने के बाद इसकी यूज की तरफ बढ़ लेते हैं, किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग लिया जाता है। जैसा कि एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है तो कई सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस दवा का प्रयोग लिया जाता है, लेकिन जो मुख्यतः इसका प्रयोग होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति को रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, मतलब उसके श्वास लेने में उसको कोई इन्फेक्शन हो गया हो, लंग्स में उसको इन्फेक्शन हो गया हो, साथ ही यदि किसी व्यक्ति को न्यूमोनिया हो गया जो कि एक लंग्स इन्फेक्शन ही है, जिसमें व्यक्ति को बार बार खांसी चलती है, उसको ग्रीन कलर या येलो कलर का बलगम आता है, चेस्ट में उसके पेन हो सकता है, उसको फीवर हो सकता है, ये कुछ समस्या निमोनिया के दौरान हो सकती है, तो इस कंडीशन में सेफोडोक्सिम टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। साथ ही दोस्तों जो निमोनिया है, वायरल निमोनिया तथा बैक्टीरियल निमोनिया दो प्रकार के होते हैं, जब बैक्टीरियल निमोनिया होगा उसी समय सेफोडोक्सिम टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाएगी। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को फेरेंजाइटिस नाम की बीमारी हो गई हो, जिसमें हमारे गले के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस रहता है, कुछ निगलने में दर्द रहता है और ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर बुखार भी आ जाता है, तो उस समय में भी सेफोडोक्सिम डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। साइनोसाइटिस नाम की बीमारी है, जिसमें हमारे नाक के दोनों साइड में आंखों के नीचे कुछ स्वेलिंग सी आ जाती है, ये इंटरनल स्वेलिंग रहती है, अंदर की तरफ रहती है, बाहर से आपको नहीं दिखाई देगी, जिस कारण से व्यक्ति की जो नाक है बार बार बहती रहती है, उसको कई बार नाक बंद हो जाती है, सिरदर्द उसको होता है, कुछ भी उसको स्मेल नहीं आती है, मुंह में उसको खारापन लगता है, ये कुछ इसको समस्या रहती है, तो उस समय में भी यह जो टेबलेट है सेफोडोक्सिम डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर अगले यूज की बात की जाए तो यूरिनरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन है, जिसे हम UTI बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति को पेशाब में जलन होती है, बार बार उसको पेशाब लगती है, पेशाब करते समय उसको दर्द रहता है, तो इस स्थिति में भी यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। और UTI का एक और इन्फेक्शन है दोस्तों, जिसे हम गोनोरोई बोलते हैं, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो पुरुष और स्त्री दोनों में ही होता है। इसमें वही सेम आपको लगेगा, पेशाब में जलन होना, दर्द होना, लेकिन एक एडिशनल चीज़ है जिसमें आपको अपने जननांगों में से पस टाइप फॉर्मेशन निकलेगी, जो तरल हम कहते हैं, तो उस स्थिति में भी यह सेफोडोक्सिम डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा कई डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर है जो स्किन इन्फेक्शन में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करने के लिए सेफोडोक्सिम प्रिस्क्राइब करते हैं। और यदि कोई व्यक्ति है जिसको ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन हो गया हो, मतलब मिडल ईयर में उसको इन्फेक्शन हो गया हो, कान में इन्फेक्शन हो गया हो, जिस कारण से उसको कान में दर्द हो रहा हो, कान में सूजन उसको आ गई हो, कुछ सुनाई उसको नहीं दे रहा हो और ज़्यादा दर्द होने पर बुखार भी उसको
आ सकता है, तो उस स्थिति में भी यह जो टेबलेट है सिफोडॉक्सिम डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों ओवरऑल जो मैंने यूज़ बताएं सभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बताएं, इसमें जो न्यूमोनिया है, स्किन इन्फेक्शन है और साथ ही जो ईयर इन्फेक्शन है, यह सभी बैक्टीरियल तथा वायरल दोनों ही कारण से होते हैं। जब बैक्टीरियल होगा उसी समय इसका प्रयोग लिया जाएगा। और दोस्तों जो सिफोडॉक्सिम टेबलेट है ईएनटी जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रयोग ली जाती है, साथ ही जो स्किन के डॉक्टर होते हैं, चेस्ट फिजिशियन है, इन सभी के द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। दोस्तों इसके यूज़ जो है जो मैंने बताए हैं, इसके अलावा भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कई दूसरी बीमारी भी लेते हैं। दोस्तों इसके यूज़ को पूरी डिटेल में जानने के बाद अब बढ़ लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की तरफ। यदि किसी व्यक्ति को इसके साइड इफेक्ट होते हैं तो क्या क्या हो सकते हैं। वैसे तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है, लेकिन एंटीबायोटिक मेडिसिन के कई सारे साइड इफेक्ट देखे गए, लेकिन जो कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें व्यक्ति को दस्त लगना, उसको उल्टी होना, अपच की शिकायत रहना, व्यक्ति को पेट दर्द होना, पेट में गैस बनना, हार्ट रेट का उसके बढ़ जाना, मुंह में छाले होना या मुंह में ड्राइनेस उसको लगना, ब्रीथिंग रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होना, ये कुछ समस्याएं मुख्यतः देखी गई है। और हो सकता है इसके अलावा भी कई सारे जो अनवांटेड इफेक्ट वो आपको मिले, उसमें से अगर कोई भी आपको मिले तो तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद करें और एक बार अपने डॉक्टर से मिले, जैसे कि आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके और फ्यूचर में सिफोडॉक्सिम टेबलेट का प्रयोग नहीं करें। अब इसकी डोज को जान लेते हैं, डॉक्टर द्वारा कितनी मात्रा में मरीज को दी जाती है। दोस्तों वैसे आप सभी को पता है जो दवा का डोज रहता है मरीज के एज और वेट के अकॉर्डिंग, साथ ही जो डिजीज़ की सीवियरिटी है उसके अकॉर्डिंग रहता है, लेकिन जो कॉमन डोज है वो मैं आपको बता दूँ, 100 मिलीग्राम की टेबलेट या 200 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में दो बार दी जाएगी और ये खाने के बाद में दी जाएगी। और यदि कुछ बीमारियों की बात की जाए तो जैसे ब्रोंकाइटिस यदि किसी व्यक्ति को हो गया हो या यूटीआई किसी को हो तो 100 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में दो बार दी जाती है। यह जो मैं डोज है एडल्ट की बता रहा हूँ दोस्तों, और इसमें किसी व्यक्ति को फेरेंजाइटिस की या लंग्स की इन्फेक्शन हो या निमोनिया हो या उसको ओटाइटिस मीडिया मतलब कान में इन्फेक्शन हो गया हो तो डॉक्टर द्वारा 200 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में दो बार दी जाती है। और कई बार दोस्तों इसकी जो डोज है 400 मिलीग्राम दिन में दो बार दी जाती है, इसमें आप जब स्किन इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको कई बार डॉक्टर ने लिखा होगा, इससे आप बिल्कुल नहीं घबराएं क्योंकि इसकी डोज है स्किन इन्फेक्शन में बहुत ही ज़्यादा होती है। और इस टेबलेट को हमेशा खाने के बाद ही लेना होता है, खाने के पहले इस टेबलेट को नहीं लें, और जितनी मात्रा में और जितने दिनों तक डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया उतने दिनों तक ही लें। अगर नॉर्मली ड्यूरेशन की बात की जाए तो सामान्यतः 3 दिन से लगाकर 5 दिन इसको दी जाती है, कुछ सीवियर इन्फेक्शन होने पर 7 दिन से 14 दिन और कई बार ज़्यादा बार भी उसको दी जा सकती है। और यदि कोई प्रेग्नेंट वूमन है उसको प्रॉब्लम हो रखी है तो ज़्यादा आवश्यकता होने पर डॉक्टर द्वारा प्रेग्नेंट वूमन तथा ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी प्रिस्क्राइब की जाती है। और जब आप टेबलेट ले रहे हो तो विशेष तौर से ध्यान रखें आप अल्कोहल का सेवन नहीं करें या आपको कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। दोस्तों अब वीडियो क्लास में जान लेते हैं इसके इंटरेक्शन के बारे में, मतलब किन किन दवाइयों तथा बीमारियों के साथ में इंटरेक्ट करता है, मतलब यह कैप्सूल यह दवा लेने के बाद में इसका असर या तो कम हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति है जिसको इंटेस्टाइन की रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लिवर डिजीज़ है, किडनी संबंधी कुछ बीमारी है, किडनी का डायलिसिस चल रहा हो या उसको सीजर डिसऑर्डर है मतलब कन्वर्सन उसको आ रहा हो, ये अगर सभी बीमारियाँ हैं या इसके अलावा कुछ मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ जैसे वारफरिन, फ्रोसेमाइड, एस्पिरिन लो डोज में आपको चल रही हो, एजिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, प्रीगाबालिन, ये कुछ मेडिसिन है जो मुख्यतः यूज़ ली जाती है, अगर ये भी अगर आपको चल रही हो तो इसके साथ ये जो सेफोडॉक्सिम है इंटरेक्ट करता है तो इसके साथ में ये दवा नहीं लें। और यदि आपको ये बीमारियाँ हैं या मेडिसिन आपको चल रही है तो अपने डॉक्टर को जरूर से बताएं, जिससे कि आपको यह दवा नहीं लिखे या ये दवा लिखनी आवश्यक हो तो इसकी डोज एडजस्ट करके लिखें और अपनी मेडिसिन हिस्ट्री या जो डिजीज़ हिस्ट्री उसके बारे में भी ज़रूर से बता दें, जिससे कि आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों ये आप बिल्कुल सावधानी रखें। और ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने सिफोडॉक्सिम टेबलेट के बारे में आपको बता दी है, उम्मीद करता हूँ कई सारी नई जानकारी आपको इससे मिली होगी और वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आ गया हो ज़रूर से इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर जोर से सब्सक्राइब कर दें और जो पास में बेल आइकन है इसे दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सब आपको मिल सके और मेरे भी सभी वीडियो देख सकें। आप तो अपने दोस्त मोहित आदित्य साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।